दोस्तों, अगर आप कार्डियो या वेट ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं पहले, देन ये डिफरेंट बेनिफिट्स आपको ऑफर कर सकते हैं। सो आपको जिम में कार्डियो को पहले करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग को, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अपने फिटनेस गोल्स में कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना एक काफ़ी इस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेशन रह सकता है। वेट ट्रेनिंग हेल्प करती है बोन हेल्थ को बूस्ट करने में, मसल मास प्रिजर्व करने में और आपकी डेली एक्टिविटीज़ को आसान बनाने में। ऑन द अदर हैंड, कार्डियो एक्सीलेंट है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए और बेटर है इम्यून सिस्टम के लिए। रिसर्च शो करती है कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग आपको ज़्यादा देर तक जीने में हेल्प कर सकती हैं और काफ़ी अच्छे से आपको फिट रखती हैं फॉर लॉन्ग लाइफ। सबसे पहले कार्डियो के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कार्डियो वेट लॉस में हेल्प कर सकता है और बहुत से बॉडी बिल्डर्स और ओलंपियस का भी ऐसा कहना है। अगर आप इसे अपनी रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो आपकी कंडीशनिंग भी अच्छी होती है, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प भी मिलती है। एरोबिक एक्सरसाइजेस ग्रेट है आपके हार्ट के लिए और हार्ट डिजीजेस की प्रिवेंशन के लिए। अगर आप इन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करेंगे, जिन्हें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कहा जाता है, तो आपके ओवरऑल हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो सकते हैं। कार्डियो को बिफोर वर्कआउट करने से क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं? बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आप कार्डियो को बिफोर वर्कआउट करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये लो इंटेंसिटी कार्बोहाइड्रेट्स आपके वार्म अप का काम कर सकते हैं आपके मसल्स के लिए और आपको इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपका गोल्स मैक्सिमाइज करना है कार्डियो के बेनिफिट्स को, देन आप इसे वेट ट्रेनिंग से पहले ही परफॉर्म करें ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाए। कार्डियो को एक्सरसाइज से पहले करना आपके एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकता है। वो लोग जिनका मेन गोल वेट लॉस है और जो रनिंग जैसी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, वो कार्डियो को बिफोर वर्कआउट परफॉर्म करके इसके ज़्यादा बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेट को पहले लिफ्ट करना उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो मसल्स और स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेशली तब जब अपने लोअर बॉडी मसल्स पे आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप बेटर ग्रो कर पाएंगे अपने मसल्स को, उन पे फोकस कर पाएंगे और आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एडिशनल रेप्स परफॉर्म करने के लिए फॉर प्रोग्रेस। अगर आप पहले कार्डियो को परफॉर्म करते हैं, देन आपकी एनर्जी कम होगी, आप हार्डर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपको इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। सो ये भी एक इशू हो सकता है। कार्डियो इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को, हेल्प करता है मसल सोरनेस में आफ्टर लिफ्टिंग वेट। सो इसे आप वर्कआउट के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका मेन गोल मसल मास और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कितना कार्डियो आपको परफॉर्म करना चाहिए आफ्टर वर्कआउट। द आंसर डिपेंड करता है आपके गोल पे। स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप हफ्ते में 150 मिनट्स तक कार्डियो को कर सकते हैं, जिसका मतलब है अबाउट 25 मिनट्स डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं वीक में 6 बार। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि आपको मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो को परफॉर्म करना है, जिसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग वर्कआउट को भी इंक्लूड करना है, लाइक सर्किट ट्रेनिंग और सुपरसेट्स, ताकि आप इजिली अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। आप जितना मर्जी कार्डियो कर ले, आपकी न्यूट्रिशन भी एसेंशियल रोल प्ले करती है। आपको अपनी डाइट पे अटेंशन देनी है, इनफ कैलोरीज कंज्यूम करनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके गेन्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपरली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का यूज करना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। सो जिस दिन आपकी हैवी लिफ्टिंग सेशन हो, उस दिन आप ये चीज ट्राई करें कि आप रनिंग को इंक्लूड नहीं करें। उस दिन आप रनिंग की जगह कुछ और कार्डियो एक्सरसाइजेज लाइक साइकिलिंग को कर सकते हैं या स्विमिंग को कर सकते हैं। रनिंग एक ऐसी टास्क है जो आपके ब्रेन को टेल करती है कि आप ज्यादा टायर्ड हैं, ताकि आप हैवी वर्क पे आगे काम नहीं करें। सो अगर आप कोई और एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहते हैं इन रिलेशन टू वेट ट्रेनिंग, देन आप रनिंग को भी कार्डियो में इंक्लूड कर सकते हैं। सो हमारे क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा रिगार्डिंग कार्डियो बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। इसके लिए कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, बेस्ट सोल्यूशन डिपेंड करते हैं आपके फिटनेस गोल्स पर। आप बोथ अप्रोचेज को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छे से काम करती है। रिमेंबर दैट कि अगर आप कार्डियो और वेट लिफ्टिंग को अपनी ट्रेनिंग में कंबाइन करते हैं, देन ये ऑफर करते हैं एक्सीलेंट बेनिफिट्स और रिकमेंड किया जाता है टोटल वेलबींग और हेल्थ के लिए। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।